हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके बालों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप एलोवेरा का यूज करके कैसे अपने बालों को सुंदर, घना, शाइनी और मजबूत बना सकते हैं। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर लिए हैं 2 एलोवेरा लीफ, क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं। आप एक बाउल लीजिए, बाउल में पानी ऐड कीजिए और कुछ इस तरह से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको इस एलोवेरा को धो लेना है और कुछ इस तरह से अपने हाथों से रब करके एलोवेरा को धोना है, जिससे इसके ऊपर की सारी गंदगी निकल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमने एलोवेरा को साफ कर लिया है। अब आप एक चाकू की मदद से इस एलोवेरा को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लीजिए और एक खाली बाउल लीजिए। इस तरह से एलोवेरा को कट करने के बाद इसे साइड से कट करना है और इसका ऊपर से छिलका उतार लेना है। एलोवेरा में विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे बालों के हेल्दी हेयर सेल को प्रमोट करता है, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है और हेयर्स के लिए एज अ कंडीशनर भी वर्क करता है। ध्यान रहे कि आप इसे बहुत ही आराम से करें, बिकॉज एलोवेरा बहुत ही स्लिपरी होता है, ये काटते समय हाथ से फिसल जाता है। कुछ इस तरह से दोनों एलोवेरा को कट करके हमें एक खाली बाउल में इस जेल को डाल लेना है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा एलोवेरा का जेल इस बाउल में डाल दिया है, आपको भी इसी तरह से डालना है। इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे नीम। नीम हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे हमारे बालों में डैंड्रफ कम होता है, हेयर फॉल की समस्या दूर होती है और नीम के लगातार इस्तेमाल से आपके बालों में से ड्राइनेस और इचिंग दूर होने लगती है। हमने यहाँ पर फ्रेश नीम का यूज़ किया है। आपको भी फ्रेश नीम का यूज़ करना है और एक ही बारी में 20 से 25 पत्तियों को कुछ इस तरह से बाउल में डाल देना है। हम यहाँ पर ग्राइंडर की मदद लेंगे और ग्राइंडर की मदद से एलोवेरा जेल और नीम की पत्तियों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आपको एक बाउल लेना है और उस बाउल में इस पेस्ट को डाल लेना है। ध्यान रहे कि आपको बारीक ग्राइंड करना है, ताकि इस पेस्ट में गांठें ना बने। अगर आपको लगता है कि इसमें गांठें बन रही हैं, तो आप इसे दोबारा ग्राइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे छान भी सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल बारीक पेस्ट मिल जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। आपको विटामिन ई का कैप्सूल कोई भी नियर बाय मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा, जो कि 4 से 5 रुपए का होगा। हमने यहाँ पर लिया है इवियन 400 का कैप्सूल। आप इस कैप्सूल को किसी भी नोकीली चीज से या सीजर से कट करके इस पेस्ट में मिक्स कर दीजिए। अब आप एक चम्मच लीजिए और चम्मच की मदद से आपको इस पेस्ट को 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंटना है, जिससे आपका ये जेल तैयार हो जाएगा। अब आपका ये पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम समझते हैं कि इस पेस्ट को कैसे हमें अपने हेयर्स पे यूज़ करना है। आपको अपनी फिंगर से इस पेस्ट को अपने बालों की जड़ों पर लगाना है। अगर आपके बालों में पहले से किसी तरह का ऑयल या कोई हेयर प्रोडक्ट आपने लगा रखा है, तो आप पहले उसे वॉश कर लें, ताकि आपको इसके बेटर रिजल्ट्स मिलें। हम इसे फिंगर की मदद से अपने बालों की जड़ों पर अच्छे से मसाज करेंगे और मसाज करते हुए आपको इसे अपने पूरे सिर पर लगा लेना है। इसके बाद आपको इसे अपने बालों पर भी अप्लाई करना है, जिससे आपके बाल सुंदर और सिल्की बनेंगे। आपको इस पेस्ट की मसाज अपनी जड़ों से अपने बालों के टिप तक कम से कम 7 से 8 मिनट तक करनी है। इसके बाद आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट में ये आपके बालों में अच्छे से सोक कर लेगा, यानी कि पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो रात को इसे लगाकर सो सकते हैं और सुबह उठकर अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। वीक में आपको इस रेमेडी को 2 बार ही यूज़ करना है। आप इसे 3 दिन के गैप में भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं या जॉब करते हैं, तो आप इस रेमेडी को मंथ में 2 या 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेंगे। जब आप अपने बालों को धोएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही स्मूथ हैं और आपके बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल्स नहीं हैं। टैंगल्स रिमूव हो चुके होंगे और आपके बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। मैं इस रेमेडी को बहुत ही लंबे समय से यूज़ कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। आपकी हेयर ग्रोथ 2 से 3 गुना बढ़ेगी और आपके बाल मजबूत होंगे। आप भी इस रेमेडी को यूज़ करें, श्योरली आपको इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आज की जानकारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।